अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साइमास कुकिंग सीक्रेट्स। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए स्टीम रोस्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही मज़े का बनता है और ख़ास तौर पे ये कि ये फ्राई होने के बावजूद बहुत लाइट रहेगा। ये आप मेरी कुकिंग करते हुए देखेंगे कि किस तरह मैं इसको बिल्कुल ऑयल इसका निकालती हूँ। स्टीम रोस्ट बनाने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है आए देख लेते हैं। ये बहुत ही सिंपल से इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। चिकन मैंने एक अदद लेके उसके 8 पीस करवा लिए हैं। ये तकरीबन 800 ग्राम के करीब इसका मीट है। इसमें 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है, 1 टीस्पून इसमें काली मिर्च है और 1 टेबलस्पून इसमें अदरक है। विनीगर लिया है मैंने, ये 1/2 कप के बराबर है। ऑयल हमें फ्राई करने के लिए चाहिए होगा। चले आएँ, इसकी कुकिंग शुरू करते हैं। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई नोटिफिकेशन आपको मिले। मेरी तमाम वीडियोस देखनी बिल्कुल फ्री हैं। टिश्यू पेपर से चिकन को अच्छी तरह खुश कर लें। एक कांटा लेके उसकी मदद से इसमें अच्छी तरह से सुराख करने हैं। जितना अच्छे से आप सुराख करेंगे उतना ही अच्छा मसाला इसमें रच जाएगा। ये देखें, इस तरह बिल्कुल सुराख हो जाने चाहिए। छुरी की मदद से हल्के से कट्स भी लगा लें। इसमें चिकन की मैरिनेशन करती हूँ। 1/2 कप सिरका जो हमने लिया था वो इसमें डालूंगी। नमक डाल दें, काली मिर्च और अदरक का पेस्ट। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब इसमें अच्छी तरह से चिकन को मैरिनेट करना है। हाथों की मदद से अच्छे से इसमें मिक्स कर लें मसाला। अब 5 मिनट के लिए इसको हम इसी तरह छोड़ देंगे। 5 मिनट हो गए हैं, अब मैं इसको फ्राई करूंगी। ऑयल हमारा बिल्कुल गर्म होके रेडी है। चिकन पीस इसमें डालते जाएं। चिकन को आपने उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक कि इसका कलर अच्छा सा गोल्डन ना हो जाए। साथ साथ साइड भी पलटते जाना है आपने। 10 मिनट हो गए हैं मुझे फ्राई करते हुए। देखें चिकन पे कितना अच्छा सा कलर आ गया। इसकी साइड्स पलट के देख लें, अगर किसी साइड पे नहीं आया कलर तो उसको भी दे लें। चिकन फ्राई हो गया, अब मैं इसको निकाल लूँगी, फ्लेम बंद कर दें। पानी मैंने बॉयल होना रख दिया था, पानी उबल गया। अब मैं इस पे ये जाली लगा दूँगी। अगर आपके पास इस तरह की स्टीम वाली पतीली ना हो तो आप सिंपल कोई भी पतीली रख के तो उस पर कोई भी जाली रख सकते हैं स्टीम में देने के लिए। अब देखें, चिकन मैं इसके ऊपर लगा दूंगी। इस तरह सारा चिकन इस पर सेट कर लें। व्यूअर्स, ये फ्राई हुआ है लेकिन इस कुकिंग के दरमियान सारा ऑयल नीचे पानी में निकल जाएगा और इसकी एक्स्ट्रा फैट्स जो हैं चिकन की अपनी वो भी नीचे पानी में निकल जाएंगी। अब 30 मिनट के लिए मैं इसको स्टीम में कवर करके रख दूंगी। अब इस पर कोई भी इस तरह वजनी चीज़ रख दें ताकि इसकी स्टीम बिल्कुल कहीं से भी लीक ना हो। इस तरह हम इसको 30 मिनट के लिए पड़ा रहने देंगे। व्यूअर्स, 30 मिनट्स हो गए, अब मैं इसे खोल के चेक करती हूँ। फ्लेम में बंद कर दूंगी। चिकन अच्छे से गल गया, मैं इसको निकाल लूंगी। व्यूअर्स, अब मैं आपको दिखाती हूँ, पानी में इसका सारा ऑयल निकल गया। ये देखें, जितनी चिकन में फैट्स थी वो सारी पानी में निकल गई हैं। ऑयल भी निकल गया है, चिकन की अपनी फैट्स भी निकल गई हैं। अब वो चिकन आप जिस तरह मर्जी खाएं उसमें कोई फैट्स नहीं है। इस मौके पर मैं आपके साथ एक और बात भी शेयर करना चाहती हूँ कि आपने जिस तरह किसी की दावत वगैरह की हो ईद पे या वैसे, तो आप चिकन फ्राई करके रख लें, तो पहले से फ्राई करके आप रख सकते हैं और इस तरह फिर स्टीम में दे के तो आप टाइमली इसको दोबारा से गर्म भी हो जाएगा और आपका बिल्कुल फ्रेश चिकन तैयार हो जाएगा। अब मैं इस पर थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल दूँगी। व्यूअर्स, स्टीम रोस्ट बनकर तैयार है। ये बहुत ही मज़े का बनता है। आपने ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। और मेरे वो व्यूअर्स जो कैलोरीज कॉन्शियस हैं उनको मैंने बता दिया है कि इसका तमाम एक्सेस ऑयल सारा निकल जाता है पानी के अंदर स्टीम करते हुए।
तो आप बेफिक्र होकर खा सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है और बेल आइकॉन भी क्लिक करनी है ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी आपको मिलती रहे। ये देखिए मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कितना सॉफ्ट बना है। ये देखें कितना सॉफ्ट बन गया और बिल्कुल ऑयल फ्री हो गया स्टीम होने के बाद। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।